जो इस वक्त बड़ी शोखियां मार के गए थे अपनी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर और कह रहे थे कि जी बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं हम दुनिया को, और आगे से ये भी फरमा रहे थे कि हमारी पार्टी को मुखातिब कर रहे थे कि जी 5-6 आपके बड़े अच्छे बच्चे थे जिन्होंने ज़मीर के मुताबिक जो है वो फैसला किया और हमारी तरफ आ गए, आप 70 लोग भी अगर आना चाहें तो हमारी पार्टी की तरफ आ जाएं। तो सर दे हैव द ऑडिसिटी टू स्पीक हेयर, लोगों को अगवा करने के बाद, तो अगर मेरी ख्वाहिश है कि वो दोनों यहाँ पर मौजूद होते तो मैं उनको जवाब दे दूँ कि सर इन्हीं की एक टिकटॉक वजीर आला है जो कि चिट्टी अनपढ़ है, जो मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं, वो कहती होती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। मैं पीएमएलएन से सवाल पूछना चाहती हूं कि आपने जो हमारे बंदे अगवा किए, कितने लोटे आपने मरियम नवाज के बाथरूम के लिए जमा किए और कितने लोटे उसको चाहिए और उसका करना क्या है? फिर सर उसके बाद आगे से फरमाते हैं कि आप तो अपने लीडर के साथ ही नहीं खड़े, आपका जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, आप तो उसके साथ ही नहीं खड़े हैं। सर मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि अपने लीडर नवाज शरीफ की तकरीर निकाल के देख ले, वो कहते हैं कि मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैंने कदम बढ़ाया, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई बंदा पीछे नहीं खड़ा था। अगर आपका गिला आपके लीडर को आपकी पार्टी से, तो आप हम पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? हम तो अपने लीडर के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इमरान खान के साथ हम खड़े रहेंगे। और सर दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जिस जमीर के मुताबिक फैसला किया आपने अपने लीडर का साथ छोड़ दिया। सर मैं चाहती हूं कि मेरी बात जरा गौर से सुने। मुझे सर डेरा गाजी खान में अपने कमरे से घसीट के निकाला गया और सर मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। सर मुझे जब गाड़ी में बिठाया गया तो मैं सर पार्लिमानी लीडर हूं, मैं 2 दफा डेरा गाजी खान के गयूर अवाम के नाम पे, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूं, तो सर मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी गई, मेरे सर के ऊपर दहशतगर्दों की तरह काला कपड़ा डाला गया। तो सर मेरे में तो इतनी जुर्रत है, मेरे में तो इतनी जुर्रत है कि मैं डेरा गाजी खान नाहक जेल काटने के बाद यहाँ आके खड़े होकर आपकी फस्तायत का मुकाबला कर रही हूँ। अगर आपके ऊपर इतनी सख्ती गुजरी होती जो मेरे लीडर और मेरी पार्टी और हमारे ऊपर गुजरी होती है, तो यकीन करें स्पीकर साहब कि पीएमएलएन वाले जूते छोड़ के अकामों के ऊपर, नाई के अकामे के ऊपर, चपरासी के अकामे के ऊपर लंदन और ज्यादा भाग चुके होते। तो ताना उसको मारे जो आप बर्दाश्त भी कर सके। अब सर इन्होंने कहा कि जी हमारी बड़ी पजीराई हुई है जो हम लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम करवाई है। स्पीकर साहब इनको सर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट है सर, में उसमें 60 के करीब जजेस हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं उसके अंदर। सर मैं उनके बारे में इनको बताना चाहती हूँ कि आज सारी दुनिया के अखबारों में शेख सुर्खियाँ लगी हैं इनकी 26वें आईनी तरमीम की। सर जिसमें उन्होंने बताया कि न ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूरी उतरती है, न ये लॉ के ऊपर पूरी उतरती है, और आपने अदलिया के पर काट दिए पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में उस पार्लियामेंट के आपने नीचे दे दिया जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे फॉर्म 47 के पैदावार हैं। एक बंदा भी वोट लेकर नहीं आया हुआ, एक बंदा भी वोट की ताकत से नहीं आया हुआ, सबके सब फॉर्म 47 के पैदावार है, उसके नीचे इन्होंने अदलिया के पर काटने की कोशिश की है। बड़ी आप शोखियां मारती है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, आपने गरीबों के लिए उनका पेट भरने के लिए कोई आईनी तरमीम की होती तो शायद लोग आपको पजीराई देते। आपने भूखे नादारों के लिए कोई, या इंसाफ देने के लिए आपने लोगों के, गरीबों के लिए, आवाम के लिए आपने कोई आईनी तरमीम की होती तो शायद आपका लोग साथ देते, लेकिन नहीं। अभी सर मैं रिपोर्ट के मुताबिक आपको बात बताती हूँ कि सर 14 जून 2019 को जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत थी, तो सर यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामाबाद को अपना होम स्टेशन मुकर्रर किया और इसकी पोजीशन रिस्टोर की और कहा कि जितने भी यूएन के ऑफिसर्स हैं सर अपने हाउस को तो जरा इन ऑर्डर करें प्लीज। स्पीकर साहब मेरी रिक्वेस्ट, अपने हाउस को ऑर्डर जी, ऑर्डर इन द हाउस, ये तशरीफ रखें मेंबरान, प्लीज बैठ के बात करें और आस्था बात करें या लॉबीज में जाएं। नहीं सर ये बात ही ना करें जी, बोलें आप, बोलें सर। 14 जून 2019 को यूनाइटेड नेशन ने, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत थी, तो उन्होंने इस्लामाबाद को अपने तमाम यूनाइटेड नेशंस के अमले के लिए और उनकी फैमिली के लिए
रिस्टोर कर दिया, इसकी इसको अपना सर होम स्टेशन इस्लामाबाद को करार दे दिया। सर मैं समझती हूँ कि जब यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामाबाद को कैपिटल को रिस्टोरेशन कर दिया कि तमाम लोग इसमें जो है वह आज़ादाना घूम सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस के लोग, तो सर ये पाकिस्तान का एक प्राइड था। उसकी सर एवेल्युएशन की गई थी इस्लामाबाद की, कि जिसमें न किसी की इज्जत उछाली जाती है, न किसी की पगड़ी उछाली जाती है, न ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, बल्कि ये सेफ जो है वो सिटी था फैमिलीज के लिए, इवन कि यूनाइटेड नेशंस के लिए। सर इसके बाद 2020 में रिपोर्ट आती है, जब भी मेरे लीडर इमरान खान की हुकूमत थी तो सर दुनिया के टॉप 10 कैपिटल्स में इस्लामाबाद, इंग्लैंड के बाद सर्विस डिलीवरी के लिए इस्लामाबाद का नाम आया टॉप 10 कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में, जो सबसे सेफेस्ट थे और सबसे बेस्ट थे और सिक्योर थे, और सर सर्विस डिलीवरी में। अभी सर 2024 की रिपोर्ट देख ले इस्लामाबाद को, जिसमें एम्बेसडर, जिसको यूएन ने अपना होम स्टेशन करार दे दिया जाता है इमरान खान की हुकूमत में, क्या सर ये अभी बता सकते हैं कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद का दुनिया के कैपिटल में कौन सा नंबर है? आखिरी नंबर भी नहीं है सर, क्योंकि अब अगर आप इस्लामाबाद की तस्वीरें निकालेंगे तो सर आपको मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फलस्तीन के मनाजर नजर आएंगे। इस्लामाबाद को, जिसमें तमाम दुनिया ने कैपिटल जिसको फॉलो करना हुआ था सर, उसको तो इन्होंने अबडक्शन का अड्डा बना दिया पीडीएम की हुकूमत ने। वहां तो सर उन्होंने लोगों अगवा कार्य का इस्लामाबाद को अड्डा बना दिया है, वहां सर पगड़े उछालने का अड्डा बना दिया है, लोगों की बहनें बेटियों को अगवा करने का इस्लामाबाद को अड्डा बना दिया है। सर कोई इनको ख्याल है कि इस्लामाबाद का इमेज या पाकिस्तान का इमेज इन्होंने क्या कर दिया है? सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए सर अपनी बीवियों के तो जो हाथ पकड़ के हल्फ लेते हैं, अपनी बीवियों के हाथ पकड़ के हल्फ लेते हैं सर, दूसरों की बहनों बेटियों को अगवा करते हैं, उनकी चादरें उतारते हैं, पार्टी खवातीन के ऊपर हमला करते हैं। सर दिल नहीं भरा कि इनका इमरान खान जैसे बड़े लीडर को, जिसने नजरिया दिया, जिसने शऊर दिया, आपने उसको जेल की काल कोठरी के अंदर रखा, आइसोलेशन में रखा, आप चाहते हैं वो गुमनामी में रहे, उनकी बेगम साहिबा को आपने नाहक जेल के अंदर डाला, फिर आपने अलीमा खान को, उनकी बहनों को, आपने उज्मा खान को जो उनकी इज्जतदार बहन है, आपने उनको भी जेल के अंदर डाल दिया। तशरीफ रखे, नो क्रॉस टॉक, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। अभी एक बिजनेस का आइटम रहता है, अभी वो भी लेना है, चले बोले, वाइंड अप करें प्लीज। सर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनके चीखने चाखने से काम नहीं होगा। अगर इनको 26वें आईनी तरमीम के जरिए पीडीएम की हुकूमत को कोई पजीराई मिली है ना, तो वो लोगों के बच्चों को अगवा करने से मिली है, उनके नाखून खींचने से मिली है, बहनों बेटियों को जो है वो जेल में डालने से मिली है। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पीटीआई खत्म हो गई है या आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा लीडर तो इस मुल्क से नहीं भागा आपकी तरह 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर अपने प्लेटलेट्स गिरा के बहाना बना के। मेरे लीडर को तो तारीख एक बहादुर लीडर के नाम से याद रखेगी, आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बूट चाट के नाम से याद रखेगी। आपने बूट चाटे, आपने लोगों को अगवा किया, पार्लियामेंटेरियंस नहीं है लैंग्वेज, माशाल्लाह सर लोगों की मैं बहने बेटियां अगवा हो गई और आप उनको पार्लियामेंट की फिक्र है? बात करें सर, मैं आखिरी बात आपसे सवाल करती हूँ कि अगर इतनी पार्लिमानी उसकी आपको फिक्र है, सर आप भी सेवान में मुंतखिब हो क्या है? अगर आपको आपके कमरे से अगवा करके घसीट के लेकर कह जाया जाए, आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाए काली, आपको दहशतगर्दों के सरगर्दों की तरह आपके मुंह के ऊपर भी काली चादर डाली जाए, तो सर आप क्या नोटिस लेंगे? आपके ईमान में लोगों के साथ ये हो रहा है, लेकिन आप लोगों को सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपसे यहाँ पे सवाल सिर्फ ये करते हैं कि यह आपकी आईनी तरमीम के बदले आपकी पजीराई नहीं हुई, या आपका तारीख में सियाह धब्बे के ऊपर नाम लिखा जाएगा। इमरान खान को अपने एक्सेप्ट करें, इंशाल्लाह ये 26वीं आईनी तरमीम आपको गले पड़ेगी। इमरान खान की पार्टी मजबूत है, इमरान खान तो इतना बहादुर है कि जेल से कहता है तो लाखों लोग उसके लिए बाहर आके खड़े हो जाते हैं। आपकी तो कल्सूम नवाज जब गाड़ी के अंदर हवा में लहरा रही थी ना क्रेन के जरिए, तो एक वर्कर भी आपका बाहर नहीं निकला था। हमारे तो पुरमन लोग, आप हर शख्स के ऊपर लाखों के लिहाज से, थोक के लिहाज से आप दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमे करते हैं। मैं सलूट पेश करती हूं अपने तमाम एमएनएस का कि आप बिके नहीं, आप डरे नहीं, आप झुके नहीं, और अपने बहादुर लीडर इमरान खान का आपने साथ दिया।